शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत. सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे के आ बंठिया माध्यमिक विद्यालय व एन एन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ. नमस्ते छात्रों, मैं शोभा कानोड़े के यहाँ बांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल आप सभी का स्वागत. छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा 9वीं की पहली इकाई की पहली कविता चांदनी रात देखने वाले हैं. इस कविता के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त. इनका जन्म 3 अगस्त 1886 उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुए. अब हम कवि का संक्षिप्त परिचय देखेंगे. छात्रों, मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं. 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने ब्रज भाषा में कविता की रचना आरंभ की. छात्रों, ब्रज भाषा हिंदी की एक बोली या ब्रज क्षेत्र की भाषा है जो मथुरा और वृंदावन के आसपास का क्षेत्र. इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है. इनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी. इनकी प्रमुख कृतियां साकेत नामक महाकाव्य इन्होंने लिखा, यशोधरा, जयद्रथ व पंचवटी, भारत भारती नामक खंड काव्य लिखे और रंग में भंग, राजा प्रजा यह नाटक लिखे. देखो छात्रों, इस कविता की विधा यानी प्रकार है खंड काव्य. खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है. प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता. छात्रों, चांदनी रात कविता पंचवटी खंड काव्य से ली गई है. इस कविता में कवि ने प्रकृति यानी निसर्ग की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है और चांदनी रात का मनोहरी वर्णन अपने सुंदर शब्दों में चित्रित किया है. तो चलिए छात्रों, अब हम शुरू करते हैं चांदनी रात. पहले मैं यह कविता पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए. चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में. पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे है तरु भी मंद पवन के झोंकों से. क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा. बंद नहीं अब भी चलते है नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप. है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर. और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है. पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना. जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है. छात्रों, हम पहले संपूर्ण कविता के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे. वीडियो पॉज करके आप शब्दार्थ लिख सकते हो. छात्रों, अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे. चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में. पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे है तरु भी मंद पवन के झोंकों से. छात्रों, आप कविता में देखिए, पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे. चारों का अर्थ सुंदर, चंद्र यानी चांद या चंद्रमा, चंचल गतिशील जो स्थिर न हो, जल पानी, थल धरती, स्वच्छ साफ या निर्मल. चांदनी का यह अर्थ है चंद्रमा की किरणें, बिछी फैली, अवनी धरती या पृथ्वी, अंबर आकाश,
तल याने धरातल स्वतः, पुलक का अर्थ खुशी या प्रसन्नता, हरित हरी, तृण घास, नोको नोक किसी वस्तु का वह सिरा जो नुकीला तथा तेज हो, मानो जैसे झूमना लहराना, बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे या इधर उधर हिलना या झोंके खाना, तरु वृक्ष या पेड़, मंद धीमा पवन हवा या वायु। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। छात्रों, इन पंक्तियों में कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें जल और थल में खेल रही है, संपूर्ण पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चंद्रमा की किरणें फैली हुई है। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है, वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है, मंद मंद हवा के झोंकों से सारे वृक्ष भी झूम रहे हैं। तो अब हम कविता की अगली पंक्तियाँ देखेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते है नियति मति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब छात्रों, हम पहले इन पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ देखेंगे। निस्तब्ध स्तब्ध या शांत कोलाहल रहित, निशा रात, स्वच्छंद स्वतंत्र, सुमंद मंद या बहुत धीमी, गंध सुगंध या सुहास, निरानंद आनंद रहित जिसमें आनंद न हो, नियति भाग्य, नटी नर्तकी, यहाँ अर्थ रात रूपी नर्तकी, कार्यकलाप गतिविधि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिविटी, एकांत सुनसान। अब भावार्थ देखेंगे। छात्रों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चारों ओर स्वच्छ चंद्रमा की किरणें बिखरी हुई है, यह देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे रात थम सी गई है, एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है, हर तरफ आनंद ही आनंद है, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल यानी वातावरण न हो, ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के संपूर्ण कार्य संपन्न हो रहे हैं, यानी रात रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं, प्रकृति सब कुछ बहुत ही एकांत भाव से और शांत ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है। छात्रों, अब हम कविता की अगली पंक्तियाँ देखेंगे। हे बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। छात्रों, इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बिखेरना का अर्थ फैलाना, वसुंधरा धरती या पृथ्वी, मोती छात्रों या चांद और तारों की तुलना कवि ने मोतियों से की है, रवि सूर्य या सूरज, बटोरना समेटना या एकत्रित करना, सदा हमेशा सवेरा सुबह, विराम दायिनी आराम या विश्राम देने वाली, संध्या शाम। छात्रों, शून्य का या अर्थ आकाश, शाम काला या सावला, तनु शरीर, छलकाना प्रकट करना या प्रकाशित करना। भावार्थ, छात्रों, इन पंक्तियों में कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है, और सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे गायब यानी अदृश्य हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। छात्रों, आगे कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए एक चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे आराम देने वाली संध्या को दे जाता है, अर्थात शाम होने के बाद
चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं, जिससे रात की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है। रात और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप देता है। पात्रों, अब हम कविता की अंतिम पंक्तियाँ देखेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन अधर नूर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। छात्रों, अब कविता में देखिए, पहले इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। पंचवटी का अर्थ पांच वृक्षों का समूह, गोदावरी नदी के किनारे का एक प्रसिद्ध स्थान, जहाँ वनवासी राम सीता और लक्ष्मण ने निवास किया था। छाया छाव, पर्ण पत्ता, कुटीर झोपड़ी, सम्मुख सामने, शिला पत्थर, धीर वीर, दृढ़ मनवाला या योद्धा, निर्भीक मना, निडर मनवाला। निडर का अर्थ साहसी, जिसे किसी से डर न लगता हो। धर्मूर तीरंदाज, धनुष धारण करने वाला व्यक्ति। भुवन संपूर्ण संसार यानी विश्व दुनिया। भोगी भोग करने वाला। कुसमायुद कामदेव, एक पौराणिक देवता जो काम और वासना के उत्प्रेरक माने जाते हैं। योगी तपस्वी, सन्यासी या साधु। दृष्टिगत, जो दिखाई पड़ता है। भावार्थ, छात्रों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में सुंदर पत्तों की एक झोपड़ी बनी हुई है। इस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल यानी बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, और उस पत्थर के ऊपर साहसी निडर मनवाला पुरुष बैठा हुआ है। छात्रों, आगे कवि ने कहा है कि संपूर्ण संसार सो रहा है, परंतु यह धनुष भारी तीर चलाने वाला व्यक्ति इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी यानी तपस्वी या सन्यासी बनकर आ बैठा है। छात्रों, हमने इस वीडियो में संपूर्ण कविता की जानकारी ली, तुम्हें कविता समझ में आई होगी। छात्रों, पद्यांश क्रमांक एक पर मैं तुम्हें स्वाध्याय देती हूँ, वो अपनी नोटबुक में छुड़वाना। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चैनल रायगड ओवी न्यूज चैनल, सदैव आपल्या सोबत रायगड ओवी न्यूज चैनल। नेहमी पाहत रहा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।